2 अप्रैल शनिवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी तथा इसी दिन से माँ शक्ति की आराधना शुरू हो जाएगी, जो 10 अप्रैल को रामनवमी तक चलेगी। उसी दिन भक्ति आराधना के साथ ही रामनवमी भी भाव से मनाया जाएगा तथा महानगर में नवरात्र को लेकर बाजारों में माँ दुर्गा के श्रृंगार का सामान, चुनरी, नारियल, कलश तथा इत्यादि चीजों का बाजार सज गया है तथा भक्त बढ़ चढ़ कर सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, जिसके संबंध में आचार्य पंडित विजय शंकर पांडे ने बताया कि 2 अप्रैल को मां शैल पुत्री की पूजा होगी। नवरात्र में पूजा करने से तमाम कष्ट दूर होते हैं। प्रथम दिन कलश स्थापना होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, अष्टमी के दिन हवन होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभिषेक पांडे एवं आचार्य पंडित विजय शंकर पांडे ने कहा, अभिषेक पांडे हैं, पंडित अभिषेक पांडे। मैं कल चैत्र मास में प्रथमा से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, माँ घोड़े पे सवार होके आ रही हैं, भक्तों को मन की मुरादें पूरी होंगी। यहाँ पर सारे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। माँ शनिवार के रूप दिन पहले दिन माँ शनिवार को श्रृंगार होगा। माँ का क्या होता है 9 दिन व्रत रहने से, क्या परंपरा होता है 9 दिन व्रत को नवमी का? नवमी को व्रत करने रहने से सभी की मुरादें पूरी होती हैं, लोगों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, मन में जो शंकाएं रहती हैं वो दूर हो जाती हैं, माँ सभी पे कृपा करती हैं। पंडित आचार्य पंडित विजय शंकर पांडे, कल जो है दिन शनिवार है, 2 अप्रैल है, कल नवरात्र का प्रथम दिन प्रारंभ हो रहा है, माँ शैल पुत्री की पूजा होगी और व्रत से जो है अनंत फल प्राप्त होता है। माता का पूजा पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजा करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। हाँ, क्या होता है 9 दिन अगर पूरा उसकी फल की सिद्धि होती है, माँ उस पर प्रसन्न होते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और क्या होता है 9 दिन में? 9 दिन में जब मान लीजिए हमारे यहाँ मंदिर पर जो है प्रथम दिन कलश स्थापना होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। ये 9 दिन में माँ किस रूप में आती है, किस रूप में आती है? प्रथम जो है शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटी, चतुर्थम स्कंद्रमायती, चतुर्थम कुष्मांडे, पंचमम स्कंद्रमायती, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालराती, सातवां दिन कालराती पर, आठवां दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। यही 9 दुर्गा जो है 9 दिन का। 9वें दिन क्या होता है? 9वें दिन जो है माता का शबिद पूजा, 8वें दिन जो है जो निशा पूजा होता है, मातृ की निशा पूजा होता है, पूजन होता है, हवन होता है। नवमी के दिन भी पूजन होता है, हवन होता है, कढ़ाई इत्यादि लोग चढ़ाते हैं, यही सब है। क्या